चलिए करंट अफेयर का आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए। चलिए करंट अफेयर का करंट अफेयर्स के अगले सीरीज को हम शुरू करते हैं। वनों के विलुप्त प्राय जंतुओं और वनस्पतियों के अंतर्राष्ट्रीय कारोबार संबंधी सम्मेलन साइट्स की 19वीं बैठक COP19 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो साइट्स की 19वीं बैठक COP19 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है पनामा सिटी में। तो क्वेश्चन सीधा सीधा आएगा कि सिटीज की 19वीं बैठक COP19 का आयोजन कहाँ किया गया, पनामा सिटी में। और इसका थीम है साइट्स का फुल नाम है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। यह है फैट्स का पूरा नाम। भारत और इंडोनेशिया द्वारा संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास गरुड़ शक्ति 2022 का 8वां संस्करण कहाँ किया गया, तो ये किया गया है फांगाबुआना प्रशिक्षण क्षेत्र करावांग इंडोनेशिया में पड़ता है, यहाँ किया गया। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि गरुड़ शक्ति 2022 किन किन देशों के बीच का संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है, तो भारत और इंडोनेशिया का है। नेक्स्ट, हिंदी प्रशांत क्षेत्रीय संवाद 2022 का वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। IPRD इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग इसका नाम है। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ, नई दिल्ली में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन डायलॉग 2022 का वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है और ये नई दिल्ली में हुआ। रोगाणु रोधी प्रतिरोध एंटी माइक्रोवेयल रेजिस्टेंस पर तीसरे वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये मस्कट ओमान में किया गया। रोगाणु रोधी प्रतिरोध पर तीसरे वैश्विक उच्च मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, ये मस्कट ओमान में किया गया। और मस्कट ओमान में किया गया तो वहाँ पर जो है डॉक्टर भारती प्रवीण प्रमाण ने सम्मेलन में भाग लिया। और इसकी थीम जो है द AMR पैंडेमिक फ्रॉम पॉलिसी टू वन हेल्थ एक्शन, इसका ये थीम है। वैश्विक यौन औद्योगिक अनुसंधान CSIR की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया, तो ये नलल्ला थम्वी कलाईफेल्वी को CSIR का पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के नए प्रबंध निर्देशक योम CEO के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया, आशीष कुमार चौहान ने। बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया, अवध बिहारी चौधरी, और ये RJD पार्टी से हैं। और ये बिहार PFE के लिए या बिहार में जो भी एग्जाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कोलंबिया के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया, तो ये गुस्ताव पेट्रो हैं जो कोलंबिया के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया, रानिल विक्रम सिंधे। जो हमारे नेबर्स कंट्री होते हैं वहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो भी होते हैं उनके नाम जो न्यूली अपॉइंटमेंट होते हैं उनके नाम हम ज़रूर याद रखें, ये एग्जाम में अक्सर आते हैं जो हमारे नेबर्स कंट्रीज हैं। श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया, श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया, तो ये हैं दिनेश गुणवर्धने।
अल्बानिया के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया? जनरल बलराम बेगच, बेगच हैं, जनरल बलराम बेगच, और ये अल्बानिया के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किए। विनय कुमार सक्सेना के स्थान पर किसको खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग KVIFE का अध्यक्ष चुना गया? ये हैं मनोज कुमार, मनोज कुमार को जो है KVIFE का अध्यक्ष चुना गया, और ये किसके जगह पर आए? विनय कुमार सक्सेना के स्थान पर आए। तो ये क्वेश्चन कभी कभार आ सकता है, ऐसे भी आता है कि विनय कुमार सक्सेना के स्थान पर किसको KVIFE का अध्यक्ष चुना गया, मनोज कुमार, या क्वेश्चन उल्टा आ सकता है कि हाल ही में मनोज कुमार को KVIFE का अध्यक्ष चुना गया है किसके स्थान पर, तो ये विनय कुमार, दोनों क्वेश्चन घुमा के पूछ सकते हैं एग्जामिनर, ये एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से पूछ सकते हैं। तो ये विनय कुमार सक्सेना का भी नाम याद रखिए और मनोज कुमार को जो अध्यक्ष चुना गया। भारत का पहला कार्बन फाइबर संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? और ये हजीरा गुजरात में है। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ बनाया जाएगा? बेंगलुरु कर्नाटका में। देखिए जो भी पहला होता है, अगर कहीं भी भारत में पहला कोई चीज़ स्थापित किया जाए या पहली चीज़ कोई होती है, तो एग्जाम में लगभग में क्वेश्चन आने के चांसेस रहती हैं। नोबेल पुरस्कार से प्रसिद्ध 64वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कितने व्यक्तियों को प्रदान किया जाएगा? ये मतलब कितने व्यक्तियों को, एशिया के नोबेल पुरस्कार से फेमस है, के नाम से फेमस है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, और ये किस नंबर का है? 64 नंबर का है, और ये कितने व्यक्तियों को प्रदान किया जाएगा? ये क्वेश्चन ऐसे ही पहले आ चुका है। तो ये चार व्यक्तियों को दिया जाएगा, और इनके नाम हैं चार व्यक्तियों को दिया जाएगा इनके नाम हैं तदाशी हतोरी, ये हैं जापान से, बर्नाडेट जेव मैड्रिड फिलीपीन से हैं, और कब ये मैचिंग करा लेते हैं कि किस देश के कौन हैं, पूछा जाता है ऐसा। गैरी वेन चे गिव इंडोनेशिया के हैं, सोथियारा ही कोलंबिया से हैं। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 अंग्रेजी भाषा के लिए मिला मिहिर वत्स को, और इनकी बुक जो है या यात्रा वृत्तांत है इनका टेल्स ऑफ हजारी बाग, ट्रेवल मेमोयर टेल्स ऑफ हजारी बाग एन इंटीमेट एक्सप्लोरेशन ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू, ये इसका थीम है, ये थीम नहीं है, ये इनका यात्रा वृत्तांत है जिसको अंग्रेजी भाषा में लिखा गया मिहिर वत्स के द्वारा, और ये साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए भगवंत अनमोल को, उपन्यास इनका है प्रमेय, और उर्दू भाषा के लिए मकसूद अफाक को मिला, और इनका कविता संग्रह है गिरिया। संस्कृत भाषा के लिए मिला श्रुति कनितकर को, और इनकी कविता संग्रह है श्रीमती चरित्रम। देश की पहली डबल डेकर वातानुकूलित बस EIV-22 का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो ये जो किया गया है मुंबई में। भारत की पहली वाणिज्यिक यांत्रिक स्थिति जन जागरूकता वेधशाला की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये की जाएगी गढ़वाल उत्तराखंड में। निशुल्क माहवारी उत्पाद उपलब्ध कराने वाला पहला देश बना, स्कॉटलैंड। अभी हम पहले भी बता चुके हैं कि जो पहली बार होता है कोई चीज़, तो एग्जाम में क्वेश्चन लगभग में आते ही आते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
एक्सीलेंस होगा फॉर वेजिटेबल्स का शिलान्यास किया गया। ये किया गया चंदौली में। ये यूपी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यूपी में कोई भी एग्ज़ाम है तो इस टाइप के क्वेश्चन वहाँ आने के चांसेस रहते हैं। यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स जो होते हैं उसी के अंतर्गत ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देश का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो यह स्थापित किया जाएगा रानीखेत के अल्मोड़ा में, ये पड़ता है उत्तराखंड में। कौन से देश के द्वारा द लाइन नामक विश्व के पहले वर्टिकल शहर की स्थापना की जाएगी? तो ये किया जाएगा सऊदी अरब के द्वारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।